एक्टर मोहित मलिक क्यों मांग रहे हैं इंडस्ट्री में काम? एक्टर ने कहा कि मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए हूं ओपन। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टेलीविजन के जाने माने एक्ट्रेस में से एक मोहित मलिक टेलीविजन का वो चेहरा है जिन्हें हर कोई जानता है। मोहित अपने फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने टेलीविजन के लिए जितने भी शोज किए हैं इसमें इन्हें खूब ज्यादा पसंद किया गया है और हर कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी निभाया है। इन दिनों उन्होंने टेलीविजन के लिए शो किया था जिसे अफेयर होना पड़ा, लेकिन इस शो में जिसका नाम था बातें कुछ अनकहीं सी में इन्हें खूब ज्यादा पसंद भी किया गया था। आपको बता दूं कि टेलीविजन से इन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया है और अब जंप किया है ओटीटी की ओर और एक्टर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफी सारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं एक प्लेटफॉर्म में सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, यानी कि वो बात कर रहे थे टेलीविजन की। उन्होंने टेलीविजन को लेकर काफ़ी कुछ कहा है, स्क्रिप्ट को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे टेलीविजन तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, अगर मुझे ओटीटी पर भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊंगा और फिल्मों की बात ही कुछ और है। अगर फिल्मों की स्क्रिप्ट हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्क्रिप्ट हो या फिर टेलीविजन की, अगर स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी तो ही मैं उसमें काम करूंगा, क्योंकि मेरे फैंस जो हैं मुझे एक अच्छे रोल में देखना चाहते हैं और मैं किसी भी स्क्रिप्ट के लिए ऐसे ही हाँ नहीं कह सकता हूँ। वेल, उन्होंने टेलीविजन तो किया ही है लेकिन अब जो है मोहित मलिक फिल्मों में भी काम करना चाहते हैं और ओटीटी के लिए उन्होंने ऑलरेडी काम किया है। आपको बता दें कि इनकी वाइफ अदिति मलिक भी एक एक्ट्रेस हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और अच्छी खासी दौलत भी है। इसके बावजूद भी जो है मोहित मलिक टेलीविजन में कहो या फिर इंडस्ट्री में इन्हें काम मांगने की ज़रूरत पड़ रही है और एक्टर ने खुले तौर पर सभी को ये कहा है कि मैं तीनों भी प्लेटफॉर्म्स के लिए ओपन हूँ, बस मुझे स्क्रिप्ट अच्छी चाहिए। यानी कि मोहित मलिक जो है सामने से कह रहे हैं कि मुझे काम चाहिए और काम में स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। वेल, इस अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।